पुलिस थी, 20-25 पुलिस थी, तो कमरा में एक मिनट एक भी जगह नहीं थी, तो कुछ चिल्ला चिल्ला के गाली दे रही थी और आरोप लगा रही थी तू कांग्रेस का प्रचार करती हो। हमने कुछ जवाब नहीं दिया, चले गए। झगड़े की मुख्य वजह क्या? कुछ वजह नहीं, हमको मालूम ही नहीं है। अचानक इनको गाली देने लगी, वो हाथ पकड़ के हाँ उनके पास गए कि क्या हो गया, तो बोली कि सांसद के चुनाव के बाद तुमको मैं देख लूँगी, पकड़ के हाथ के मरोड़ दिया और फिर हम चले गए बाहर। ये बात क्यों फैलाई जा रही कि आप कांग्रेस का प्रचार कर रही है? जाति है हमारी, हो सकता है शायद इसलिए हो, हमने तो कांग्रेस का प्रचार नहीं किया। कोई प्रमाण हो तो हमारे खिलाफ दे दिया जाए, हम क्यों करेंगे कांग्रेस का प्रचार? राजा राम जी का प्रचार हम क्यों करेंगे? जब हम महापौर लड़ रहे थे तो कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे ना राजा राम जी, हमारा तो नहीं किया, तो हम राजा राम जी का प्रचार क्यों करेंगे? हम तो पार्टी में हैं तो पार्टी का प्रचार कर रहे हैं ना। हमको सांसद जी ने कहा आप गाँव में जाइए, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप शहर देखिए, तो हम शहर देख रहे हैं और बार बार भी घूम रहे हैं। कल 8 बजे से लेके 10:30 बजे तक पूरा प्रचार हो गया, तब नीता सोनी वहाँ पहुँची, रचना सिंह के यहाँ, जब सब कोई भ्रमण हो गया तब पहुँची विपिन चतुर्वेदी, किसी से ही पूछ लिया जाए। बार बार घटनाएं हो रही हैं, अभी इसके पहले अनेक बार घटनाएं घटी हैं हमारे साथ। 4 साल से हम झांसी की रानी ने संघर्ष किया, वही हमने भी संघर्ष किया है और बहुत अपमान हुआ है, बहुत बार हमारे साथ घटनाएँ घटी हैं और वो उस क्लास में स्वाहा थे जो